हेलो फ्रेंड्स, कैसे बोलते तो ये हमारी ट्रिप चालू हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं बाहर बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं है। बाहर का नजारा दिखाते हुए कैमरामैन संदीप के साथ लोडू प्लेस राइड जाते हुए और ये हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से कुल्फी कुफरी कुल्फी 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 दिल्ली से कुल्फी खाने जा रहे हैं। आगे का बताता हूँ बाद में, ठीक है। हम भाई पूरी रात तो हमें कोई ढाबा वगैरह मिला नहीं भाई, हम कहीं नहीं रुके, नॉन स्टॉप चल रहे हैं भाई। फाइनली सुबह हो चुकी है, हम लोग पता नहीं कहाँ रास्ते में पहुंच गए। भाई चूत इसकी पहाड़ पहाड़ इसकी गाड़ी में घुस चुका है बहन का। बस अभी हम बाकी का ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। एक बार वहाँ पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे दिखाता हूँ, कहीं भी पहुंच जाएंगे। अभी हम गाड़ी से जस्ट उतरे हैं बाहर चाय पीने के लिए। चाय वाय पियेंगे जरा यार, बहुत थक गए सब लोग भाई साहब। सबको गहरी नींद आ रही, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है इसके आगे से। वैसे तो मैं ऊपर का वेदर दिखाऊंगा ना भाई साहब, इतना धुंध सा हो रहा है ऊपर। रुको तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब ऊपर इतना धुंध सा हो रहा है। अभी हमें वहीं जाना है, अरे चले जा। हाँ तो अभी हमें वहीं जाना है। ये देखो भोसड़ी वाले चाय की टपरी पे अपना हाथ चला के आए हैं। अब चाय वाय पी ली हमने, अभी हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से हम जाएंगे पता नहीं कोई सोलगिरी पोलगिरी करके कुछ है कोई जगह, मेरे को एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मेरे को नींद आ रही बहुत तगड़ी, अभी वहाँ जाएंगे। उसके बाद सोलांग जाएंगे भाई, उसके बाद फिर वहाँ पे हम सोलांग में है हम सोलांग में। तुम लोग समझ ही नहीं रहे यार, सोलांग में है हम, चुतिया है। उसके बाद हम बैठे वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके, उसके बाद हम जाएंगे कुल्फी कुल्फी कुफरी क्या नाम है छतरी शिमला जाएंगे हम। उसके बाद शिमला जाएंगे, समझ जाओ तुम। मैं तुम्हें बता दूंगा सारा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तुम समझ जाना अपने आप। चलो भाई तो गाइस अभी भी हम रास्ते में उतरे हैं यार, बहन जो नींद इतनी आ रही क्या ही बताऊं, बट उतरे हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन। आपको ये ऐसे नहीं मिलेगा, बट आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, और पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चला जब मैंने इसे पढ़ा यहाँ पे लिखा था प्राचीन शिव मंदिर, तो इस वजह से मुझे पता चला कि ये प्राचीन मंदिर है, है? और भाई नज़ारे तो देख ही रहे हो आप, ये यहाँ पे ये सस्ता सैलमोन भाई है, ये बी ए किंग लिखा ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस वक्त अलग ही चल रहा है कुछ, ये पता नहीं कुछ अलग ही दिखा रहा है लोगों को प्राचीन मंदिर के बारे में। चलो बताने दो इसे, बंदे ने बोल दिया यहाँ मत ले गया, कुछ गलत काम कर रहे हैं शायद पता नहीं, जल्दी गाड़ मार रहा हूँ। बाकी सीन देख अभी तो हम और ऊपर जाएंगे तो भाई वहाँ का सीन अलग ही होगा, यहाँ पे देख लेते भाई। एक तो यार आईफोन में ना डायरेक्ट बैक कैमरा खुलता नहीं है, पता नहीं क्या सीन है, मुझे बंद करके फिर दोबारा करना पड़ेगा। मास्क हो गया और जो कि मुझे यहाँ मिल गया है लेकिन अब लगाने लायक बचा नहीं है, छोड़ दे साले। तो अभी हम जो है काफी ज्यादा ऊपर आ गए और यहाँ का व्यू भाई साहब इतना अलग ही लग रहा है भाई, अलग ही लग रहा है, इसकी गाड़ फाड़ अलग, ऐसा लग ही नहीं रहा बहन जो ये सब असली है, अलग ही लग रहा है कुछ। गाड़ियां भी काफी तेज चल रही है, थोड़ी गाड़ फट रही है। सो अभी मैं उधर से थोड़ा आगे आया हूँ, मैं बड़ी बड़ी ठंड हो रही है भाई, बड़ी ठंड हो रही है। पीछे के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं मैं दिखाता, रुको मैं ट्राई करता हूँ। देख रहे हो भाई भाई साहब, ये देखो यहाँ पे अलग ही व्लॉगिंग चल रही है भाई, भाई साहब पूरी बत्ती दिख रही है। चलो इसको नीचे कर देते हैं,
फुल भाई, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है भाई यहाँ का, बहुत बहुत तगड़ा भाई, बहुत सही मौसम है। ऊपर जाना है और ठंड लग रही है भाई साहब, गाड़ियाँ बड़ी तेज से चल रही हैं भाई। जब भी यहाँ पे आए भाई सेफ ज़रूर रहें, ब्लॉक तो बनते रहेंगे। बारिश हो रही है क्या गाइस? बारिश हो रही है कि कबूतर क्या ऊपर से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन चलो ठीक है, ठंड है भाई। चलो बुला रहे बंदे, बुला रहे, चलो ठीक है। व्यू देखो तुम भाई साहब, कितना गदर है भाई साहब, काफी ये पीछे देख रहे हो, देख लो बस क्या भाई, जन्नत है भाई, जन्नत है जिंदगी में भाई। एक बार भाई साहब आना जरूर पहाड़ों में, अभी देखते हैं आगे। ये गाइस हम बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, ये लग रहा स्वर्ग में आ चुका मैं, दो मिनट के मैंने नींद ली थी, मैं लग रहा स्वर्ग आ गया, बैठ तो बीच में टपक गया शायद कहीं भाई, बहुत मतलब ये दिसंबर वाली फील दे रहा है मुझे, बस भी आ रही है, गाड़ी फट रही है थोड़ी भी, बट कोई बात नहीं भाई साहब यार। भाई ये देखो भाई सब बहुत सही, तो अभी रुके हम यहाँ पे, पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे अभी कुछ खाएंगे मस्त, बहुत सही वेदर हो रहा है भाई, मेरे हाथ कांप रहे हैं, एक ट्राइपॉड लेके आने चाहिए गाइस। सही में भाई बहुत सही, सेक्सी। ये देख खा तो सबने लिया ही है, अभी प्लानिंग हो रही है कि वहां जाके हमें नहाना है कि हमें नहीं नहाना है। वैसे मैं आप तुम्हें बताइए, मैं बहुत साथ में मैं जाके नहाऊंगा कल। आज का मेरा हो चुका है, एक्चुअली मैं कल आया था और मैं अभी सोया नहीं हूँ, तो मेरा अभी कल ही का दिन चल रहा है। ये बहुत ही सही है, तो अब मैं कल लाऊंगा। सही है, सही है, दिखाता हूँ मैं। तब यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होने लग गई है, जो कि काफ़ी और ज़्यादा ठंड कर रही है। सी ये लोग खा लें, उसके बाद हम लोग यहाँ से खाते के साथ ही चल जाएंगे भाई, क्योंकि अब सब 6-7 किलोमीटर और है आराम से, यार 6-7 किलोमीटर और है, उसके बाद हम जाएंगे। ये यहाँ पे बंदीबाजी चल रही है और ये ब्लॉक के अंदर वीडियो कॉलिंग चल रही है। तो गाइस वैसे तो सबने खा लिया है, बट इन महाशय के जरा लास्ट में एक और चटकारे जगह, अपना पेट नहीं भरता, आज तुमसे खा चुका है कहीं नहीं बात इनके लास्ट में कुछ चटकारे जगह है, इनको फिर से खाना है, इनकी शक्ल भरे नहीं दिखे, पेट जरूर दिख जाएगा आपको। यहाँ के जो कुत्ते हैं वो हल्के हल्के फेर की फेप लेते जा रहे हैं। ओ माय गॉड मेरी बैटरी लो हो रही, चलो ये खा लेता है उसके बाद फिर से देखते हैं भाई, अपडेट देता रहूँ मैं सारी। चलो फाइनली हम लोग होटल में एंट्री हमने ले ली है, रूम में भी आ चुके हैं मस्त भाई साहब, कमरा है, दो रूम है हमारे, एक ये और एक के साथ वाला रूम, अभी दिखा दो तो। बढ़िया व्यू, टीवी चल रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। ये मैं ये हमारा रूम है, क्या मस्त व्यू है, और ये हमारा दूसरा रूम है, यहाँ से ये जो है डोर ऐसे बंद। ओके ये वाले रूम का फिर से दिखा देता हूँ भाई, इनको गद्दा वो वाला नहीं मिला, कौन सा वो वाला, वो साइंटिस्ट की एक टीम बिठाएंगे इस पर रिसर्च होगी कौन सा वो वाला। बाकी ये वाले रूम का व्यू मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं तो अभी अपना बैग वैग लेके सब यहीं आ रहा हूँ। प्लानिंग हो चुके साले, वो थक गए भाई, थोड़ी देर सोएंगे सभी, तो भी वो सोए नहीं कोई भी सब मतलब हम लोग थोड़ी देर सो लिए थे, ये लोग नहीं सोए थे, ठीक है इतना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बाकी सब ये। चलो भाई अभी हम मूवी देख रहे हैं,
थोड़ी देर में हम सो जाएंगे, फिर कल हम जाएंगे पहाड़ चढ़ने। कहाँ जाएंगे? ट्रैकिंग करने जाएंगे भाई। वहाँ से जाते हैं, वहाँ सिर्फ हम पैदल ही जा सकते हैं, घोड़ों घोड़ों का कोई सीन नहीं है, पैदल ही जाना है वहाँ पे। कल जाएंगे, कल मस्त वेल घूमेंगे। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सही मॉर्निंग हो चुकी है, फुल बारिश हो रही है यहाँ पे हल्की हल्की, अभी तो काफ़ी तेज़ हो रही थी, अभी हल्की हो गई थोड़ी बारिश, रुक के फिर हम लोग बाहर जाएँ, चाय वगैरह पिए, फिर हम जाएंगे हिल टॉप पे। और यहाँ पे बिजनेस की बातें चल रही है कि फेसबुक क्या करता है, तब खरीद लेता। चलो भाई बाद में मिलते हैं, चाय की शॉप पे आगते हैं, ठीक है आगते हैं। तो फुल बढ़िया मौसम यहाँ पे, अलग ही फोटो शूट चल रहा है, और जिसका फोटो शूट चल रहा है वो खड़ा कैंडिड पोज दे रहा है, कैंडिड पोज, इसका कैंडिड पोज देख, रुक जा ये ऐसे शक्ल देख के मालूम पड़ गया फोन था किसका। हेलो गाइस, यहाँ पे बहन से बताओ यार, 8:30 बजे आए हैं कि सोचा चलो थोड़ा लेट ही होगा, तभी चाय की दुकान बंद है। अब क्या करेगा इंसान, चाय नहीं पीगा क्या बहन? चल चलो सच में डाल नहीं पाऊंगा बहन से ब्लॉग। अरे साले गाली मत दे बहुत सड़ी के, मिल गई मिल गई चाय की दुकान, मिल गई कोई नहीं अंदर, साले ऐसे लगे चोरी वोरी कर रहे, थोड़ा बाहर खड़े हो जाओ। बंदे दुकान खुली छोड़ छोड़ के चला गया भाई, या तो इसके पास बहुत ही पैसा है कि कितना क्या ही देगा, या तो कुछ है ही नहीं, कितना क्या ही चोरी करेगा। चलो तो गाइस, ये भाई साहब चाय पराठा खत्म किया भाई, आलू को मेरी स्किन बड़ी चमक रही है भाई, इतना सुंदर सही लग रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ अंदर। वहीं जाएंगे और कुछ है नहीं यहाँ पे, फिर उसके बाद ट्रैकिंग पे चलेंगे गाइस, ट्रैकिंग पे जाएंगे, वहाँ पे बंदर बता दिए कि भाई यहाँ यहाँ तक कीचड़ होता है, कोई बात नहीं। बारिश होने लगी हल्की हल्की, फिर से तो अभी हम जस्ट चाय पी के यहाँ पे आए, और भाई यहाँ पे जब हमने यहाँ का व्यू देखा, जो फोकस होता है, ओ भाई ये देखो, ए बिचट में बिचट, मतलब अल्टीमेट भाई, बादलों के ऊपर फाइनली गाइस, ये मैं आसमान की ऊंचाइयों पे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा भाई साहब, जन्नत भाई जन्नत। और हम यहाँ से तो अब जा रहे हैं, अब जाएंगे जू, वहाँ पे जाके इन जैसों की देखेंगे शक्लें, अभी के लिए बाय। यो तो होटल पे चेकआउट कर दिया हमने, अब आगे घर जा रहे हैं। ये बंदा देख रहे हैं, ये इसका नाम है दा बाबू कतरी, दा बाबू कतरिया। गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी भाई था फुल पार्किंग में, फिर देखते हैं, फिर शायद जू जाएंगे, जू यहाँ पे, वहाँ बताया कि 500 लगते घोड़े के लिए, कैंसिल कर दिया, कल पे जाएंगे, वहाँ बहुत सारा कीचड़ है, अगर पहुँच पाए तो आपको बताएंगे हम आगे, वरना फिर जयराम जी की, जयराम जी की यार। यो भैंसो गाड़ी पार्क है, और यहाँ भैंसो भी मतलब क्या ही जगह है, ये भैंसो नट चेक करते हुए, गाड़ी का नट ढीला है, क्या पड़ता है देखी जाएगी। चलो बाय। तो अभी हम
यहाँ जा रहे हैं कुफरी फन वर्ल्ड, वेलकम लिखा भाई साहब, वेलकम ही हो रहा अच्छे से। नहीं जा रहे साले। अबे भाई बोलते देना यार इनको, कोई आया थोड़ी है यहाँ पे कोई। हाँ ये वाला मैं कट कर दूंगा, चलो वेलकम वेलकम लिखा। महंगा था भाई साहब। अरे ज्यादा महंगा नहीं था यार, ₹1000 बता रहा था तेरी बहन के, ₹1000 पूरी ट्रिप के लग गए। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा चलेंगे भाई, मस्त ट्रैकिंग करेंगे, व्यू का मजे लेंगे। और तुम्हें अब मिलते हैं हम टॉप पे, या टॉप पे मिलते हैं मैं, चलो आसमान की ऊंचाइयों पे, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, बाय। कलोड़ा काफी रात थक गए भाई, आप कभी भी आ जाओ अपनी गाड़ी पे आना यार, यहाँ मैं मतलब थक गया हूँ। ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर देख रहे हो, यहाँ से शेर शेर चीते कूदते हैं नीचे, बहुत थक गए भाई। हमको स्टार्टिंग में लगा था स्टार्टिंग है शेर चीते, डेढ़ घंटे में तो हम इतना थक नहीं थके, लेकिन लास्ट के आधे घंटे की वहां जो खड़ी चढ़ाई थी, दो तीन जगह तो मोहित ने जो क्लाइंबिंग भी करी है, आप उसके पिछवाड़े पे निशान भी देख पाओगे। चलो बहुत चलना है ब्रो, चलो बाय। तो भाई बहुत थक गए, 4 घंटे हो चुके हैं भाई चलते चलते, हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ऊपर है ये, लेकिन 4 घंटे हो गए, लेकिन मज़ा आया, कोई रुक जैसा सब चल रहे हैं, कोई 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 नहीं देखा। एक्चुअली हम आए यहाँ पे 5 थे, एक बंदा कम हो चुका है, चलते चलते घिस गया वो। चलो ऊपर जाके हटता हूँ, बस पहुँचने वाले हैं, बाय। तो क्या हाल है? खड़ी चहाड़ बोल, खड़ी पहाड़ी चढ़ने के बाद हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला, 7 स्टार है, क्या यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय वाय चाय पियेंगे ना? नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे, पी सकते हैं नहीं नहीं पी सकते, हाँ उसके बाद चलते हैं। जगह देखने तो ओ ये आ गया बंदा, देखो ये मेरा कल ब्रेक डन, वापस ट्रैकिंग चालू, अब डायरेक्ट ऊपर ही रुकेंगे, इसकी भी आँख आँख जाना कहाँ से है बस वो देखना है भाई, अभी और ऊपर चढ़ना है, चढ़ना ही बहुत ऊपर। ये अतुल भाई कुछ और अतुल भाई ने बोल दिया, बस अपना राज इतना ही, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। इसकी भैंस की आँख देख रहे हो गाइस, ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और ये साल भाई है साले, चिकनी मिट्टी है गाई तेरी गांड पे ना लगा दूँ, ये बे आराम से बे, ये आसमान की ऊंचाइयों पे, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, अभी और ऊपर जाके उसके बाद भाई। ये ऊपर है और जस्ट इसके पीछे फुल टेंट वेंट बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये बनेंगे रोडीज ओवर एंड आउट, तो यहाँ बैठे हैं और अभी चाय पियेंगे, और ये तो बहन जो भी खाएगा यहाँ का व्यू, ये अभी हम जस्ट ऊपर से भाई था, इतनी भैन जो खड़ी ढलान, मोस्ट भैन तो ऐसे आया गोल गोल होता हुआ, ये अब और नीचे जाना है, अब हम यहाँ से जाएंगे भागते हुए, यही जाएगा वक्त हुआ, और आगे जाके ऐसी पचीड़ी खाएगा नहीं है, मैंने तो इसकी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। या चलो भाई ध्यान देता हूँ जरा, बाय। तो अभी हम कहाँ को जा रहे थे, हम नारकोंडा जा रहे थे, तो अभी रास्ते में हम रुके क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सही चीज दिखी हमें, कहे पैसे भी आ रहे हैं, अब उनको कुछ नहीं कर सकते भाई, अभी फुल यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट करेंगे, तो गाड़ फाड़ वाला
तुम्हें आगे से भी दिखाऊंगा भाई, बहुत तगड़ा। भदौरिया कहाँ गया भदौरिया? वही बंदा तो वह बात करता है ब्लॉग में, बाहर नहीं आ रहा क्या? अरे बाहर नहीं आ रहा क्या? तो गाइस ये वाटरफॉल यहाँ पे, इससे पहले वाले भी हमें काफी सारे वाटरफॉल मिले, बट अभी ऐसा लगा कोई ऊपर जो ऊपर से मूत रहा है। साहुल भाई ने बोला कि वो नाले का पानी है, यहाँ पे रुके नहीं या क्योंकि ये साहुल भाई ना ज्ञान चौक बनते हैं, बहुत चुती है या ये बात, ये 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 साहुल भाई है। ये भाई क्या बना रहे हैं? इनका अलग ब्लॉग बन रहा है, ये घर जाके अपनी बीवी को दिखाएंगे। तुम भाई कह रहे हैं कि मेरी सेल्फी ले दो, थोड़ा फोटो शूट करेंगे उसके बाद। चलो यहाँ आए थे नारकोंडा, पता नहीं नारकोंडा ही नारकोंडा, पता नहीं ये क्या बोलूं। गूगल मैप पे देख रहे थे भाई, यहाँ पे लेक है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी लेक है भाई, बहुत बड़ी, मजा मतलब मजा आ जाएगा। आ गए भाई, और रास्ता भी बहुत खतरनाक रास्ता, मतलब यू नो बेदम। और यहाँ पे लेक कौन सी है? ये ऐसा लग रहा है चार कुत्ते मिलके मूत के चले गए थे लेक में, गंदा पानी सारा का सारा यार, कुछ नहीं देखने के लिए। अब हम यहाँ पे बिना रुके जा रहे शिमला, वहीं पे रुकेंगे दो दिन।